अपने घर से निकाले जाने की तकलीफ क्या होती है, ये बात शायद कश्मीरी पंडितों से ज्यादा और कोई नहीं जानता होगा। आज ये बात इसलिए क्योंकि 30 साल पहले आज ही के दिन यानी 19 जनवरी 1990 को तकरीबन 4 लाख कश्मीरी पंडितों को अपना घर, अपनी जमीन, अपनी जड़ें, अपनी यादें, सब कुछ पीछे छोड़कर रातों रात कश्मीर से भागना पड़ा था अपनी जान बचाकर, क्योंकि कट्टरपंथी पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठनों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया था। निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा का परिवार भी इसी जबरन पलायन का शिकार हुआ था और 30 साल बाद अपनी फिल्म शिकारा में वो इसी दर्द को बयां कर रहे हैं। लेकिन जुल्म की वो दास्तान आखिर है क्या? 19 जनवरी 1990 की रात कश्मीरी पंडितों के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके जख्म आज तक मिट नहीं पाए हैं? कई सरकारें आईं, कई गईं, लेकिन कश्मीरी पंडित आज 30 साल बीतने के बाद भी वापस घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। कश्मीर में उस कयामत की शुरुआत हुई थी 4 जनवरी 1990 को, जब उर्दू अखबार आफ्ताब में हिजबुल मुजाहिदीन ने छपवाया कि सारे कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी को छोड़कर चले जाएं। दूसरे अखबारों ने भी इसे छापा। कश्मीरी पंडितों में बेहिसाब डर बैठ गया, उन्होंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था और फिर तो रात के अंधेरे में चौराहों और मस्जिदों से लाउड स्पीकरों से ऐलान होने लगा कि कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर चले जाएं, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तो कयामत की रात थी हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने लाइट तो हमारी काट दी, टेलीफोन काट दिए, यू नो, खाली इलेक्ट्रिसिटी मस्जिदों में थी और मस्जिदों से वो जोर जोर से यहाँ क्या चलेगा निजाब मुस्तफ़ा, यू नो, ऐसे काइंड ऑफ स्लोगन्स, और ग्रुप में और वो वहाँ के लोकल नहीं थे, जो थे वो बाहर से लगते थे कि यहाँ के नहीं हैं, पर कुछ वहाँ के ज़रूर थे जिनके ऊपर उनका असर हुआ था, यू नो, तो ये पूरी गली गलियों में ये शोर था। इसके बाद कश्मीरी पंडितों की हत्याएं शुरू हो गई, न जाने कितनी औरतों के गैंगरेप हुए, नारे लगते थे कि काफिरों कश्मीर छोड़ दो, नारे लगते थे कि पंडित कश्मीर छोड़ जाएं लेकिन पीछे अपनी औरतों को यहीं रहने दें। न जाने जुल्म की ऐसी कितनी कहानियां हैं जिनका रिकॉर्ड तक नहीं है, और इन अपराधों में सबसे ऊपर था आतंकी संगठन JKLF का नाम। ये लोग अपना सब कुछ खो चुके थे लेकिन दिल के किसी कोने में फिर भी उम्मीद थी के देश में सरकार है, आर्मी है, पुलिस है, कुछ तो किया जाएगा, कुछ तो होगा कि ये लोग वापस अपने घर लौट पाएंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ, सरकारें इनकी तकलीफ भुलाकर आगे बढ़ गई। ज्यादातर कश्मीरी पंडितों ने जम्मू के रिफ्यूजी कैंप्स में शरण ली थी। उस दौर में वहां इन रिफ्यूजी कैंप्स का मानो एक पूरा शहर सा बस गया था, और जो दास्तानें हैं वहां की उन्हें सुनकर आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अच्छे घरों से हम लोग आए, अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, और कभी हमने सोचा नहीं था कि अपनी मिट्टी को छोड़ के जाना पड़ेगा। और जब हमने अपनी मिट्टी को छोड़ करके जम्मू और दिल्ली या कहीं और का रुख किया, हम सड़कों पे दरबदर थे। जिसको जहाँ जगह मिली, किसी को मंदिर में जगह मिली, उस मुझे अच्छे से याद है, मैं बहुत छोटा था उस टाइम, मैं जम्मू में उस समय छुट्टियाँ चल रही थी तो स्कूल्स की बिल्डिंग्स उस समय खाली पड़ी थी, तो स्कूल्स की बिल्डिंग में लोग टिक गए, गीता भवन था, एक मंदिर था, वहाँ लोग टिक गए। वो दौर इतनी अफरा तफरी का दौर था कि हम लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम अपनी मिट्टी से बेदखल हो गए। और अब सबसे बड़ा सवाल जो फिल्मी है, 1990 से लेकर आज तक 30 साल गुजर गए और इन 30 सालों में कश्मीर के सब्जेक्ट पर बॉलीवुड में कई फिल्में बनी, लेकिन उन फिल्मों में कश्मीरी पंडितों के दर्द की कहानी नहीं थी, गायब थी, मानो कश्मीरी पंडित कभी कश्मीर में थे ही नहीं। कश्मीर समस्या पर जो फिल्में मशहूर हुई उसमें 1992 में रिलीज निर्देशक मणिरत्नम की फिल्म रोजा थी। इसमें कश्मीर को भारत से आजाद करवाने की साजिश करते मिलिटेंट्स की बात तो थी, लेकिन 2 साल पहले घटी घटना यानी कश्मीरी पंडितों के पलायन की बात थी ही नहीं। शूजी सरकार की फिल्म यहां हो, संजय दत्त बिपाशा की लम्हा हो, या फिर 2014 में रिलीज हुई विशाल भारद्वाज की हिट फिल्म हैदर, जिसमें आतंकवाद था, जिसमें अफस्पा था, जिसमें कश्मीरी लोगों की परेशानियां थी, सब कुछ था, नहीं था तो कश्मीरी पंडितों का जिक्र। और तो और, निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा भी मिशन कश्मीर नाम की एक फिल्म बना चुके हैं लेकिन उसमें भी इस कहानी का कोई जिक्र नहीं था। हालांकि कोई भी फिल्म मेकर अपनी फिल्म बनाने के लिए क्या सब्जेक्ट चुनता है ये पूरी तरह उसकी मर्जी होती है, लेकिन फिर भी सवाल तो है कि 30 साल तक इतनी बड़ी घटना में कोई कहानी किसी भी फिल्म मेकर को नजर नहीं आई। विडंबना इस बात की है कि मैं
चूँकि फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ, मैं चूँकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ, हमने बहुत कोशिश की उस टाइम पे कि ये चीज़ें बाहर आनी चाहिए और हमारा हमारा जो जेनोसाइड है वो लोगों को पता चलना चाहिए। बट मुझे ऐसा कुछ सपोर्ट अपनी इंडस्ट्री में उस वक्त मिला नहीं, उन्होंने शायद इस चीज़ को बहुत ही मामूली चीज़ समझा। साल 2004 में निर्देशक अशोक पंडित ने कश्मीरी पंडितों की कहानी पर अपनी फिल्म शीन बनाई थी, हालांकि ये फिल्म ज़्यादा चली नहीं थी। फिर पिछले साल अनुच्छेद 370 हटने के बाद एक बी ग्रेड फिल्म भी आई जिसका नाम था मुद्दा 370 जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन इस बकवास फिल्म पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। और हाल ही में निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीरी पंडितों की त्रासदी दिखाने वाली अपनी फिल्म कश्मीर फाइल्स का ऐलान किया है, दावा कर रहे हैं कि इसमें सब कुछ सच सच दिखाएंगे। लेकिन इन सब फिल्मों में से कश्मीरी पंडितों की तकलीफ पर्दे पर उतारने वाली सबसे बड़े बैनर की फिल्म विधु विनोद चोपड़ा की शिकारा ही है, जिसमें इतने कैनवस पर उस त्रासदी को रिक्रिएट किया गया है। और यह भी सच है कि जब कोई सच्ची कहानी किसी बड़ी फिल्म में नजर आती है तो उसकी चर्चा शुरू होती है और उसकी गूंज दूर तक जाती है। उम्मीद यही है कि शिकारा से एक नई चर्चा, एक नई बात शुरू होगी। उम्मीद यह भी है कि शायद वो दिन भी आएगा जब अपने घर से दूर किए गए लोग अपने घर वापस लौट पाएंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।